नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है आज का खबरों का बुलेटिन। पहली खबर है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। समझा जा रहा है कि राहुल गांधी परिवारवाद की आरोप से बचने के लिए यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। राहुल के निर्णय की वजह से प्रियंका भी रायबरेली से सामने नहीं आ रही है। मल्लिका अर्जुन खड़गे राहुल गांधी को मनाने में लगे हैं। कांग्रेस विपक्ष को आरोप लगाने का मौका नहीं देना चाहती। विपक्ष का आरोप लग सकता है कि हार की वजह से वे सामने नहीं आ रहे हैं। 1990 के बाद पहली दफा खगड़िया से सीपीएम उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। सीपीएम के संजय कुमार और लोजपा आर के राजेश वर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। संजय कुमार सुहा समाज से हैं। यह माना जा रहा है कि सीपीएम उम्मीदवार को यादव और मुसलमान का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही मल्लाह जाति का भी समर्थन मिलेगा। खगड़िया का चुनाव तीसरे चरण में है। बेगूसराय, नालंदा, काराकाट और आरा से तीनों कम्युनिस्ट पार्टियों के उम्मीदवार हैं। आज से नेवी प्रमुख ने काम शुरू कर दिया है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को पदभार संभाल लिया। दिनेश कुमार मिश्रा ने मंगलवार को शपथ लेने के बाद आज के नए नेवी प्रमुख के रूप में काम शुरू कर दिया। एडमिरल त्रिपाठी इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल वॉरफेयर के विशेषज्ञ माने जाते हैं। एडमिरल त्रिपाठी रीवा के सैनिक स्कूल से निकलकर नौसेना में आए थे। अवकाश प्राप्त नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसको नौसेना में आगे बढ़ाने का संदेश दिया। नौसेना के सामने कुछ जलमार्ग को लेकर चुनौतियां हैं। नेवी को लाल सागर से चीन की चुनौती से मुकाबला के लिए तैयार किया गया है। चीन लाल सागर से हिंद महासागर तक अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है। लाल सागर में चीन की भूमिका को लेकर भारतीय नौसेना को ज़्यादा तैयार किया जा रहा है। हाउथी के उग्रवादी भी नेवी की चुनौती हैं। ये व्यापारिक जहाज़ों पर धावा बोलते हैं। एडमिरल त्रिपाठी ने आत्मनिर्भर नौसेना और आधुनिक नौसेना के साथ साथ नौसेना को स्त्री पुरुष मानव संसाधन के मसलों पर पहले दिन ही महत्वाकांक्षा का ऐलान किया। पटना में गर्मी 43 डिग्री तक पहुंच गई है। पटना शहर में पीने के पानी की भी कमी हो रही है। पटना शहर में 50 लाख लीटर पीने के पानी की आवश्यकता होती है। दिल्ली के स्कूलों में बम प्लांट करने की धमकी के बाद आज सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यह रोचक था कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच से यह कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम भी जेल से चुनाव प्रचार करने लग सकता है। याची अमरजीत गुप्ता ने यह अर्जी लगाई थी कि उम्मीदवारों को जेल से ऑनलाइन प्रचार करने का मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जेल से प्रचार करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। नीतीश कुमार ने झंझारपुर में कहा कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले तक 10 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी। ये जो हम लोगों ने किया था 2020 में, कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तब 4 लाख से ज्यादा हो गया, 1 लाख भी लगभग पूरा हो गया और 3 लाख का काम चल रहा, वो भी पूरा हो जाएगा। अगले साल के अंत तक जब चुनाव होने वाला है उसके पहले ही 10 लाख, उससे भी ज्यादा जरूरत होगा तो उतने लोगों की बहाली, सब काम एक एक काम किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ एक मामले में ईडी को फटकार लगाई है। पीएमएलए यानी धन शोधन की धारा 50 के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाके यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज पटना के लिए धन्यवाद।